72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में झंडोत्तोलन, परेड, झांकी एवं प्रशस्ति पत्र देने समेत हुए अन्य कार्यक्रम। बतौर मुख्य अतिथि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार श्री सत्यानंद भोक्ता ने किया झंडोत्तोलन। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुई। बतौर मुख्य अतिथि मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार श्री सत्यानंद भोक्ता ने स्टेडियम पहुँच कार्यक्रम में भाग लिया। उपायुक्त अबू इमरान एवं पुलिस अधीक्षक श्री राकेश रंजन ने मंत्री महोदय का स्वागत किया, जिसके पश्चात परेड निरीक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जीप पर सवार होकर मंत्री, उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण किया, जिसके पश्चात मंत्री द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। मंत्री समेत स्टेडियम में उपस्थित पदाधिकारियों, स्कूली बच्चों एवं आम जनों द्वारा राष्ट्रगान किया गया एवं राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई, जिसके पश्चात एक के बाद एक प्लाटून द्वारा परेड एवं विभिन्न विभागों द्वारा झांकी निकाली गई। इनमें मुख्यतः स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, झारखंड शिक्षा परियोजना, वन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नगर परिषद, जिला समाज कल्याण, जिला आपूर्ति, जिला कल्याण एवं जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग चतरा द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, स्वतंत्रता सेनानियों समेत कई अन्य थीम पर आधारित झांकी की प्रस्तुति की गई। मंत्री महोदय ने मंच से संबोधित करते हुए सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दिया। उन्होंने अपने भाषण में गणतंत्र दिवस की विशेषता बताते हुए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आज के इस पावन अवसर पर आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ बोलने का अवसर मिला है, जिससे मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप सबों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था, जिससे भारत को गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश बनाने की राह तैयार की गई थी। इस वजह से हर वर्ष 26 जनवरी को भारत को गणतांत्रिक राष्ट्र बनाने के उपलक्ष्य में इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के अर्थ ही जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने पर गर्व है। यह देश के राष्ट्रीय पर्व में से एक है। आज़ादी में बहुत सारे वीर महापुरुषों जैसे भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी महान पुरुषों के बलिदान का परिणाम है। भारत के संविधान को बनाने में बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर का बड़ा स्थान है। गणतंत्र दिवस हम सभी भारतीयों के अंदर हर्ष, उल्लास और नवीन चेतना का संचार करता है। सभी सरकारी संस्थाओं में यह पर्व मनाया जाता है। हालांकि आज भी हमारे सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जिनमें भ्रष्टाचार, उग्रवाद, आतंकवाद, बेरोजगारी की समस्या प्रमुख है। हमें विश्वास है कि हमें इन समस्याओं का भी निदान कर लेंगे तथा इन पर विजय हासिल करते हुए हम निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। 15 नवंबर 2000 झारखंड राज्य का स्थापना की गई। इसके अलावा राज्य में भी राष्ट्र निर्माण में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जंगल, झाड़, पहाड़, नदी, नाला की बहुलता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा है। हम सभी इस तिरंगे झंडे के नीचे भारतीय गणतंत्र दिवस का महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक पर्व नहीं, हर वर्षवासी के लिए गर्व और सम्मान की बात है। आज का समय हम सभी चतरा तथा झारखंड वासियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोगों को जानते हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व कि आपके सरकार ने सफलतापूर्वक अपने कार्यकाल का 3 वर्ष पूरा किया है। इन 3 वर्षों में सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में विकास को एक नई गति दी है एवं कई नई योजनाओं का प्रारंभ की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-2023 में माह जनवरी तक के श्रम बजट 35.35 लाख के विरुद्ध 38.30 लाख मानव दिवस सृजन किया गया है। 1,93,431 सक्रिय मजदूर के विरुद्ध 1,90,782 मजदूरों को जॉब कार्ड निर्गत किया गया है। जिले में अब तक 1,852 मनरेगा मजदूर को 100 दिवस कार्य दिया जा रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत 618 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण कार्य संपन्न कराया जा चुका है। वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजना अंतर्गत 145 खेल मैदान क्रियान्वयन कराते हुए 40 खेल मैदान योजना को पूर्ण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक चतरा जिला का कुल लक्ष्य 82,586 आवास का पूर्ण स्वीकृति करते हुए 70,191 आवास पूर्ण कर लिया गया है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर योजना अंतर्गत 1,154 आवासों का पूर्ण कर लिया गया है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत पीएम किसान योजना से कृषक जो किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण लिए हैं उनके ऋण को अधिकतम 50,000 रुपये तक की माफ़ी की जा रही है। वर्तमान में कुल 27,007 के लक्ष्य विरुद्ध 18,673 कृषकों के कुल 63 करोड़ रुपये राज्य सरकार के द्वारा जिले के किसानों को ऋण को माफ़ी किया गया है। बीज विनियम एवं वितरण कार्यक्रम योजना इस योजना अंतर्गत खरीफ मौसम में कुल 1,241 क्विंटल धान बीज एवं अन्य फसलों का बीज का वितरण किया गया है। वर्तमान रबी मौसम में गेहूँ 1,150 क्विंटल दलहन 646 क्विंटल एवं मक्का बीज कुल 14.73 क्विंटल बीज का वितरण 90% एवं 100% अनुदान पर किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा विभाग अंतर्गत कक्षा 1 से 8 के सभी छात्र छात्राओं को वर्तमान में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए लगभग 9.5 करोड़ रुपये की राशि पोशाक मद में उपलब्ध कराई गई है। कक्षा 1 से 8 के सभी 1,74,983 छात्रों को विद्यालय किट उपलब्ध कराए गए हैं। कक्षा 9 से 12 तक कुल 34,707 छात्राओं को बैंक खाता के माध्यम से पोशाक की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। कक्षा 1 से 8 सभी छात्रों को वित्तीय वर्ष 2021-22-23 हेतु 21,34,986 एवं कक्षा 9 से 12 के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3,30,880 नोटबुक उपलब्ध कराए गए हैं। खेल सामग्री क्रय करने हेतु 560 मध्य एवं 92 उच्च विद्यालय को 69,80,000 रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं। पेयजल स्वच्छता विभाग के अंतर्गत पूरे खोरी प्रखंड में घर घर में नल एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत जिले में कुल 44,258 शौचालय का निर्माण किया गया है। मत्स्य विभाग अंतर्गत प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 20 योजनाओं में से 91 लाभुकों के राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वेद व्यास आवास निर्माण वित्तीय वर्ष 2022-23 में वेद व्यास आवास योजना अंतर्गत प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के मानक प्राकलन के आधार पर 10 लाभुकों के आवास निर्माण के हेतु अधिकतम राशि 1,20,000 आर्थिक सहायता दी गई है। गव्य विकास योजना अंतर्गत प्रखंड सिमरिया में 3,000 लीटर क्षमता मजूरहन प्रखंड में गामी दिघी 2,000 लीटर क्षमता एवं हंटगंज के जोरी में 2,000 लीटर क्षमता का दूध की व्यवस्था की गई है जिसको मार्केटिंग किया जा रहा है। गव्य विकास योजना के अंतर्गत प्रखंड टंडवा के ग्राम सरैया सिद्धपा कल्याणपुर ठेठांगी उलीहातू एवं बनहे केंदवा टाँड के
कुल 19 टाना भक्तों परिवारों को अनुदान पर 4 दुधारू गाय वितरण किया गया। योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में 2 दुधारू गाय अपनी पसंद से 16 टाना भक्तों परिवारों को क्रय कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना 2022-23 के अंतर्गत बत्तख चूजा 709 के लक्ष्य के विरुद्ध, बकरा विकास योजना के अंतर्गत 274 लक्ष्य के विरुद्ध 198 को वितरण किया गया है। सुगर योजना के अंतर्गत 43 के विरुद्ध 32 लाभुकों के बीच वितरण किया गया है। सहकारिता विभाग के अंतर्गत बीज वितरण चतरा जिला के 31 पैक्सों के द्वारा 388 क्विंटल खरीफ फसल में धान बीज एवं रबी बीज में 1950 क्विंटल कृषकों के बीच उपलब्ध कराया गया है। अल्पसंख्यक कब्रिस्तान घेराबंदी योजना अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कब्रिस्तान घेराबंदी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 35 योजनाओं का कुल 1,43,35,219 रुपये से 4 दीवारी घेराबंदी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वास सहायता योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन आगमन करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा जाति को लाभुकों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में चतरा जिला अंतर्गत कुल 46 लाभुकों को बीच 1,49,500 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। बिरसा आवास योजना अंतर्गत आदिम जनजाति के लिए 19,80,000 रुपये से बिरसा आवास निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार से राहत अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14 पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी गई है। पीड़ित को 5,25,000 रुपये मुआवजा राशि दी गई है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत कुल 11 लाभुकों को बीच 2,75,000 रुपये की राशि लाभुकों के बीच वितरण किया गया है तथा जिला स्तर से चयनित 124 लाभुकों को सूची जो राज्य स्तर से सिद्धांतिक सहमति स्वीकृति हेतु 2,96,97,035 रुपये का प्रस्ताव कल्याण विभाग राशि को भेजा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय का संचालन अनुसूचित जाति के छात्राओं के लिए जिले में आवासीय बालिका उच्च विद्यालय सिमरिया, बालिका प्राथमिक विद्यालय सिमरिया हंटरगंज एवं प्रतापपुर संचालित है, जिसके 500 छात्राओं को निःशुल्क रहने खाने एवं पढ़ने की व्यवस्था है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आवासीय बालक उच्च विद्यालय लवालंग में संचालित है, जिसमें 248 छात्रों को निःशुल्क रहने खाने एवं पढ़ने की सुविधा दी जा रही है। सिमरिया प्रखंड अंतर्गत जाबड़ा में आवासीय आश्रम विद्यालय संचालित है, जिसमें वर्ग 6 से 10 तक के 200 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क रहने खाने पढ़ने की सुविधा दी जा रही है। श्रम विभाग चतरा जिला अंतर्गत ई श्रम कार्ड अब तक 3,65,526 रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे, बची है लहू एक बूंद भी रंगों में, तब तक भारत माता की आंचल को